दोस्तों जब डॉक्टर आपसे कहे कि आपको इंजेक्शन लगेगा तो ये सुनकर कई लोगों के माथे पे पसीना और हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखने में तो ये एक छोटी सी सिरिंज होती है लेकिन सबकी चीखें निकलवा देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंजेक्शन लगवाते हुए कुछ ऐसे बहादुर लोग दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आपको भी बहुत मजा आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। दोस्तों इस तरह का नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलता। जो तमाशा किसी हॉस्पिटल में किसी लड़की को इंजेक्शन लगते हुए देखने को मिलता है। सही पकड़े हैं। आराम से एक मिनट। कुछ नहीं हो। एक बच्चा भी दोना। आराम से लगाना। एक मिनट आराम से लगाना। हाँ ओके ओके ओके। अच्छा ऐसा लगाना इसमें मैम पेट में हार्ट रखे दो मिनट की नहीं होगा। हार्ट डाइट नहीं करे आपका ब्लड निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इंजेक्शन एक ऐसी चीज है कि जिसका नाम सुनकर बड़ों बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाने के लिए मरीजों को ऐसे पकड़ा होता है कि जैसे किसी जानवर को जिबा करने लगे हैं। ये बाबा जी इंजेक्शन लगवाते हुए ऐसे रो रहे हैं कि जैसे इस उम्र में इनकी बीवी इन्हें छोड़कर चली गई है। बच्चों और खवातीन का तो इंजेक्शन से डरना समझ में आता है लेकिन इस बाबे से ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या हो गया। कुछ लड़कियां इंजेक्शन लगवाने से पहले दिखावा तो ऐसे करती हैं कि जैसे इंजेक्शन लगवाना इनके बाएं हाथ का खेल है लेकिन भाई साहब जैसे ही इंजेक्शन इनके सामने आता है तो इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अब जरा आप इस लड़की को देखें, बेचारी इंजेक्शन को देखकर इतना मासूम चेहरा बना रही थी कि जिसे देखकर किसी को भी तरस आ जाए लेकिन फिर भी डॉक्टर ने इस बेचारी पर तरस ना खाया। बस कर पापी बस कर। इस लड़की ने तो हद ही कर दी। इंजेक्शन लगवाते हुए ये ऐसे रो रही है कि जैसे शादी पे इसकी विदाई हो रही हो। मोहल्ले की जितनी औरतों ने इसे पकड़कर इंजेक्शन लगवाया है इतनी बड़ी टीम तो पाकिस्तान में कुर्बानी का जानवर जिबा करने के लिए कसाई के साथ होती है। अब जरा आप इस वीडियो में देखें, इस बच्चे ने बहाने तो बहुत किए लेकिन क्योंकि इसके साथ इसकी अम्मी आई हुई थी और जब क्लिनिक पे साथ में अम्मी आई हो तो फिर किसी भी बच्चे का इंजेक्शन से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। पहले तो हमें ऐसा लगता था कि लड़कियां और छोटे बच्चे ही इंजेक्शन से डरते हैं लेकिन इस आंटी ने तो बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। इतना तो लोग बंदूक से नहीं डरते जितना पापा की परियां इंजेक्शन से डरती हैं। मैडम आपकी उम्र क्या है? 28 साल।
जी एक्चुअल में मुझे आपको उम्र के हिसाब से बेहोशी का इंजेक्शन देना है, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। अच्छा जी, फिर 32 साल। एक्चुअल में मैडम, बेहोशी की दवा यदि कम ज्यादा हुई ना तो आपको ऑपरेशन के बीच में होश आ सकता है। क्या बात कर रहे हैं? फिर तो 38 साल। मैडम यदि दवाई में कम ज्यादा हुआ तो आपकी किडनी पर असर आ सकता है और आप कोमा में भी जा सकती हैं। 39 साल। और अब तो चाहे ऑपरेशन थिएटर से मेरी लाश ही क्यों ना बाहर आए, 1 साल भी नहीं बढ़ेगा। इट इज फाइनल। अब जरा इस लड़की को देखें, जो डॉक्टर के सामने इतने मीठे मीठे नखरे कर रही है, लेकिन डॉक्टर फिर भी नहीं माना और इसे इंजेक्शन लगवाना ही पड़ा। दोस्तों इंजेक्शन चीज ही ऐसी है, इसको देखते ही लोगों के पता नहीं कहां कहां से पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों इंजेक्शन का डर होता ही इतना है कि जिसे देखकर बड़े बड़े घबरा जाते हैं। भैंसा को जो दिया जाता है उसे नहीं है। एकदम छोटा है। तू बेदी का कहो। कमाइला। दस रुपए कुन्नदे। वेल तो दोस्तों, इन वीडियोस के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।